बुधवार रात्रि BJRI से कोयला भरकर सूरतगढ़ जा रही मालगाड़ी का ट्रैक बदलते समय अचानक हादसा हो गया, जिसमें कार के डिब्बे सहित दो डिब्बों के पहिए ट्रैक से उतर गए। इस खबर से रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया और आनन फानन में घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद जीन से कर्मी बुलाकर ट्रैक को बहाल करने का कार्य शुरू किया गया। गनीमत रही कि गाड़ी की गति धीमी होने के कारण गाड़ी पलटने से बच गई। गाड़ी सूरतगढ़ जा रही है, ये सूरतगढ़ लोडा है, सूरतगढ़ जा रहा है और जैसे गाड़ी आगे की तरफ बढ़ रही थी तो स्टार्टर सिग्नल लाल था और गाड़ी को मेन लाइन पे लिया जा रहा था। जैसे गाड़ी को धीरे धीरे स्लो मोशन में चल रही थी तो जैसे ही गाड़ी आगे चली हुई थी तो पीछे से मतलब गाड़ी अचानक डेरेलमेंट हो गया और जैसे पोजिशन मैंने ड्राइवर को सतर्क किया, ड्राइवर को बताया कि गाड़ी डेरेल हो चुकी है तो ऑन द स्पॉट मैंने देखा नीचे उतर के कि पोजीशन जो देखी मैंने वो ये थी कि ब्रेक जो ब्रेक वन था वो पीछे लूप लाइन पे खड़ा हुआ था और बाकी की जो गाड़ी थी वो मेन लाइन पे थी और गाड़ी को मेन लाइन पे ही लिया जा रहा था। तो ये जो था सारा मामला ये पॉइंट का टेक्निकल फॉल्ट था। अनमाल का किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि गाड़ी स्लो मोशन में थी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। स्लो मोशन में होने के कारण सब कुछ बच गया, जो बगल की लाइन थी वो भी ठीक थी क्योंकि उस टाइम में जिस टाइम ये ड्रिल हुआ उस टाइम में 12:38 शताब्दी जो गाड़ी थी वो दिल्ली की तरफ जा रही थी और बिल्कुल ऑन रेड सिग्नल दोनों मिलाए गए गाड़ी के साथ। गार्ड ने मैंने शताब्दी के ड्राइवर से ऑन रेड सिग्नल मिलाया और बगल की लाइन थी वो बिल्कुल क्लियर थी, कोई लाइन जाम नहीं है, सिर्फ ये टेक्निकल फॉल्ट हुआ, ये कांटे से ही मतलब ये सब प्रॉब्लम हुई है। हाँ, मैंने जैसे ही ये ड्रिल हुआ, ड्रिल होते ही मैंने मतलब ड्राइवर को बोल दिया था कि ड्राइवर साहब बात ऐसे ऐसे है, गाड़ी ड्रिल हो चुकी है। तो फिर उसी टाइम मैंने ऑन द स्पॉट नीचे उतर के देखा तो ब्रेक वन जो थी वो लूप लाइन पे थी और लूप लाइन पे होने की वजह से तो गाड़ी जैसे मेन लाइन में होगी पूरी गाड़ी और ब्रेक वन जो था वो लूप लाइन में हो गया। लूप लाइन में होने के कारण ही गाड़ी ने अपने इंजन ने अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, गाड़ी को लूप जो ब्रेक वन थी वो लूप लाइन में थी उसने अपनी तरफ जोर मारने की कोशिश की, इसलिए मतलब वो डिफरेंस बढ़ गया और जोर से वो कैपलिंग खुल गई। कैपलिंग खुलते ही पीछे जो बॉक्स है, लोडेड बॉक्स है, लोडेड बॉक्स के पीछे दो व्हील हैं वो नीचे ड्रिल हो गए और ब्रेक वन के बठिंडा एंड की तरफ के जो व्हील थे वो ड्रिलमेंट हो गए।